बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से वहां अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले तेज हो गए हैं। हिंदू धर्म गुरु चिन्मय कृष्णा दास की गिरफ्तारी के बाद से जबरदस्त तनाव है। चिन्मय दास को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को चटगांव की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। चटगांव में हिंदू मोहल्लों और मंदिरों पर कट्टरपंथियों का हमला हो रहा है। आइए जानते हैं बांग्लादेश से किन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं चिन्मय दास प्रभु। चिन्मय दास बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े रहे हैं। वो सम्मिलित सनातन जागरण ज्योत के प्रवक्ता भी हैं। उनकी गिरफ्तारी और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत ने चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, अल्पसंख्यकों के घरों और दुकानों में आगजनी और लूटपाट के साथ साथ मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण तरीके से वैध मांगे करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। चिन्मय दास को तब गिरफ्तार किया गया था जब वो ढाका से चटगांव आ रहे थे। उन्हें ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान सादे कपड़ों में आए कुछ लोगों ने उन्हें जबरदस्ती वैन में बैठा लिया। उन लोगों ने खुद को बांग्लादेशी पुलिस का जासूस बताया था। इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने बताया कि बिना कुछ कारण बताए ही चिन्मय दास को जबरदस्ती वैन में डाल दिया गया। बांग्लादेशी पुलिस ने चिन्मय दास पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। उन पर अक्टूबर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेशी झंडे का अपमान करने का आरोप है। ऐसा दावा है कि इस विरोध प्रदर्शन में भगवा ध्वज को बांग्लादेशी झंडे से ज्यादा ऊंचा फहराया गया था। हालांकि राधा रमन दास ने इन आरोपों को खारिज किया है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों को दबाया जा रहा है। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। आइए अब जानते हैं कि चिन्मय दास की मांगे क्या हैं। अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न से जुड़े मामले में तुरंत सुनवाई के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाए जाए। पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास मिले। अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानून बनाया जाए। अल्पसंख्यकों के लिए एक मंत्रालय बनाया जाए ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दे और परेशानियों को उठाया जा सके। कब्जाई गई देवोत्तर या मंदिर की संपत्तियों को वापस किया जाए। मंदिरों और अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए कानून बने। सभी स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्टलों में अल्पसंख्यकों के लिए पूजा स्थल बनाए जाएं। अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ाया जाए। साथ ही पाली और संस्कृत बोर्डों का आधुनिकीकरण किया जाए। दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन का पब्लिक हॉलीडे घोषित किया जाए, क्योंकि ये हिंदुओं के लिए काफी अहम त्योहार है। आइए एक नजर बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के हालात पर भी डाल लेते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय को निशाना बनाने का लंबा इतिहास रहा है। 2 साल पहले भी बांग्लादेश में हिंदू विरोधी भावनाएं भड़क गई थीं, जिसके बाद कई हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। हाल ही में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सैकड़ों जगहों से हिंदुओं पर हमले के मामले सामने आए हैं। इस्कॉन टेम्पल और दुर्गा मंदिरों को निशाना बनाया गया है। हिंदुओं के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। दिनाजपुर में उपद्रवियों ने एक शमशान घाट पर भी कब्जा कर लिया था। वहां दशकों से हिंदुओं पर उत्पीड़न हो रहा है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का दावा है कि 1964 से 2013 के बीच 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भाग गए हैं। फाउंडेशन का कहना है कि हर साल 2,30,000 हिंदू बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों की आबादी तेजी से घटी है। 1951 में बांग्लादेश में गैर मुस्लिम आबादी 23.2% थी। यहां आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी। उसमें सामने आया था कि बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों की आबादी घटकर 9.4% हो गई है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।